सिग्नल बैटरी निकल रहा कैमरे का मार नीचे क्या नहीं नहीं आपको नहीं Happy birthday. Thank you so much. आपका टैटू भी दिखा दो हमारे बर्थडे गिफ्ट. ये टैटू मैंने आज परी के लिए बनवाया है. हम दोनों को बीच बहुत पसंद है, ओशियन. तो ये वेव्स हैं ओशियन की. हम इनका साइन है सनशाइन सैजिटेरियन. तो सैजिटेरियन का एरो, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ है 15/12, सनराइज हो रहा है और ये उनका नाम अपने हाथ से लिखा है. थैंक यू सो मच गाइस. क्या कुछ सरप्राइज प्लान है और परागी आपसे जानना चाहूंगा. यार अभी बता दूंगा, सरप्राइज करा जाएगा. कल रात से सरप्राइज पर सरप्राइज था. मैं एक्चुअली बॉम्बे में नहीं थी, इवेंट के लिए गई थी. वहाँ पे उन्होंने पूरा मेले डेकोरेट करके केक वेक पूरा जुगाड़. यहाँ पे आई, गाड़ी डेकोरेटेड थी, घर पहुँची, घर डेकोरेटेड था. अब मुझे उन्होंने बोला ये पहनो और चलो, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे. फिर उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया टैटू का. मतलब दिस ईयर पराग इज गॉन ऑल आउट. आप क्या कहना चाहोगे? एंड ऑफ कोर्स पराग जी, आप क्या कहना चाहोगे? क्या इज देयर एनी थीम कुछ डिसाइड किया आपने? या थीम क्या उनका बर्थडे से बड़ी इवेंट क्या हो सकता है जिंदगी का? और शी इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू माय लाइफ. बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माय लाइफ. तो वी आर जस्ट गोना हैव अ लॉट ऑफ फन, सेलिब्रेट आवर लाइफ टुगेदर. इसी के साथ म्यूजिक वीडियो का काफी ट्रेंड चलता है, तो आप दोनों को एक साथ एक म्यूजिक वीडियो में देखना चाहिए. ट्रेंड मैंने ही शुरू किया. करने दो लोगों को. हम साथ में कुछ और करेंगे ना. इसके अलावा आपकी सीरीज आई थी रात्रि की यात्री, जो काफी फेमस हुई. आपने काफी अच्छा रोल किया था, आपने काफी मेहनत की, लोगों से जाके आपने बात की. कुछ आप बताना चाहोगे? साल की अंत हो रहा है और नए साल की शुरुआत हो रही है. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट. मतलब जिस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही है, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी हंग्री एंड ग्रीडी फॉर गुड रोल्स राइट नाउ. और आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली लोग जो मुझे ऑफर करें, दिस इज़ बियॉन्ड ग्लैमर एंड बियॉन्ड स्किन एंड एवरीथिंग, यू नो, दे बियॉन्ड डांसिंग. एंड आई एम गेटिंग रोल्स दैट यू नो आर हेल्पिंग मी ग्रो एज एन एक्टर. वो लिमिट्स को पुश करने की इच्छा रखती हूँ मैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा रखती हूँ. और ऐसे रोल्स आ रहे हैं और मैं कर रही हूँ. रात्रि के यात्री वाज वन सच रोल व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड मेनी मोर व्हिच आई एम ऑलरेडी, सम आर कंप्लीटेड, सम हम शूट कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फ्रॉम योर फैंस, एंड स्पेशली पराग जी ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आपको? ही सेड ओनली वन थिंग, दैट हम एज ह्यूमन बीइंग्स सेक्स वर्कर्स को बहुत ही आउटकास्ट समझते हैं एज ए सोसाइटी. हम नहीं समझ पाते हैं कि उनके भी इमोशंस होते हैं. दे आर ऑल्सो वुमेन एट द एंड ऑफ इट. और यही मुझे पराग ने कॉम्प्लीमेंट दिया था. आई सॉ अ वुमेन इन यू, एंड आई थिंक दैट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम एन एक्टर लाइक हिम. वो मंझे हुए हैं और उन्होंने ये देखा मुझ में, मेरी आँखों में. तो ये सब जो कॉम्प्लीमेंट्स आए, दैट मेड मी वेरी वेरी हैप्पी. यू हैव गिवन सो मच टू आवर इंडस्ट्री, टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्टार्टिंग विद योर म्यूजिक, देन रात्रि की यात्री, बीच में इतने सारे, फिर बिग बॉस जैसा एक सफ़र देखा हमने. उस जर्नी में आप जिए, पराग जी उस घर में आए आपके साथ, मैंने पूरा उस जर्नी को देखा. बट शेफाली जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, हाउ शेफाली इज प्लानिंग फॉर हर फ्यूचर, एनीथिंग, एनी रोल दैट यू हैव नॉट डन येट एंड यू वांट टू डू? शेफाली नेवर प्लान्स हर फ्यूचर. जब भी मेरे मन में कोई चीज़ की चाह आती है, वो चीज़ अपने आप मेरे झोली में आके मेरे पास मुझे मिल जाता है. वो आज तक हुआ है और आज के आगे भी होगा, क्योंकि आई थिंक आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम वेरी लकी. एंड अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, तो डेस्टिनी इज प्लान्ड आउट. सब अच्छा अच्छा ही होता है हमेशा. पराग जी, आपके कोई फ्यूचर में कुछ अच्छे? काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं. बोल इसके अलावा गाइस, बिग बॉस कितना बोलते हो आप? दिस ईयर वी हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो इट, बिकॉज़ यू हैव ऑलवेज बीन फैन ऑफ बिग बॉस. या बट टाइम नहीं मिलता यार.
He's been in the South. मैं actually every fan था जब वो थी तब मैं देखता था actually. वो तो है हमने देखा है तो. Thank you guys. Thank you so much. Please, आप लोग है ना आपको whatever you want to eat please eat. Please. उनका नाम अभी तो छोड़ दो मेरी बीच में। ओके गाइस, थैंक यू।